दादाजी मुझे कुछ रुपए और चाहिए। अभी परसों तो 15,000 ले गए थे, इतना रुपए कैसे खर्च करते? वैसे जैसे आप कमाते हैं। क्या आनंद, फजूल खर्ची का तुम्हें नशा हो गया? आखिर मैं हूं कौन? सेठ द्वारका दास का पोता ही तो हूं। कितने रुपए चाहिए? फिलहाल 25,000 दादाजी। जाओ कैशिया से ले लो। थैंक यू दादाजी। जी आप जो कर रहे थे कर लो। दादाजी यूं ही जरा ठंड लग गई थी। ताज्जुब है, सारी दुनिया कब से उठकर अपने अपने काम से लग गई और उसके 5 घंटे के बाद तुम्हारा दिन शुरू होता है। तुम जो सांस ले रहे हो वो भी मेरे पैसों की बदौलत। मेरे पैसों के बिना तुम एक दिन भी नहीं जी सकते। और हकीकत हकीकत यह है कि रास्ते के कुत्ते भी अपनी रोटी खोज लेते हैं और तुम इस काबिल भी नहीं। आनंद, आनंद! ए, ए, तो, ये सुने जगह है? कहीं भी, ये पार्क है, यहाँ सोना मना है। यहाँ रहोगे तो जेल की हवा खाना पड़ेगी। अब तो यहाँ से जेल ही अच्छा है, वहाँ कम से कम रहने खाने का बंदोबस्त तो होगा। ज्यादा बातें मत करो, चलो 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 चलो। यार सूरज शक्ल से ऐसा लगता है घर से झगड़ा करके आओ, और नहीं तो शहर में नौकरी की तलाश में आओ। ठीक है, बेकार बेकार हूँ ना। और सूरज शक्ल से ऐसा लगता है कि तुमने खाना वाना भी नहीं खाया। चलो आ जाओ मेरे साथ। कहाँ? अरे मेरे घर। खाने सोने का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। एबीसीडी की बात तो मेरा ख्याल है कि ग्रेजुएट को एबीसीडी से वास्ता है। मालूम है आप क्या सवाल करें? यही ना कि मैं नाइट स्कूल में पढ़ने को गया था, आपने जबरदस्ती स्टूडेंट बना के बिठा लिया था। बड़ी गलती हो गई, अनजाने में मैं आपका अपमान कर बैठी, मुझे माफ कर दीजिए। फिक्र ना कीजिए, हम गरीबों का मान अपमान कैसा, हमें नखरों के लिए फुर्सती कहां मिलती है। नहीं नहीं जाइए, नहीं आप बैठिए, काफी पीजिए। ये पी तो सकता हूँ लेकिन देख लीजिए कहीं फिर हाथों से ना छूटा। नहीं नहीं लीजिए, आप बैठिए मैं भी आती हूँ। नौकरी? नौकरी तो 100 रुपए महवार शॉर्ट एंड टाइपिस्ट की नौकरी है। सर वो शॉर्ट एंड टाइपिंग बहुत अच्छा जानते हैं। अच्छा हाँ। तो जा उसे बुला रहा हूँ।
चलिए मैनेजर साहब के पास, आपकी नौकरी का इंतजाम हो गया। हो गया? हाँ, 100 रुपए तनख्वाह। 100 रुपया? स्टेनोटाइपिस्ट का काम। मर गया, वो तो मुझे आते नहीं। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी, लेकिन याद रखिएगा मैनेजर साहब कुछ भी कहें आप ध्यान ध्यान करते रहिएगा। जी हाँ, वो उस टेलीफोन ऑपरेटर की। टाइप कर रहे हैं या पियानो बजा रहे हैं? जी, पेपर कहाँ है? पेपर ये भूल गया। भूल गया? ये क्या है? My resignation letter, sir. What? जी हाँ, मेरा इस्तीफा। इस दफ्तर में कोई इस्तीफा नहीं देता, यहाँ से आदमी निकाले जाते हैं। Get out! जी हाँ। Get out! कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ। असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे। आनंद, अरे वो आनंद। नौकरी ढूंढने जा रहा था, तूने बीच में टोक दिया। पगले, माँ बहन और दोस्त के टोकने से कहीं अपशगुन नहीं होती? अरे देख, मैंने तेरे लिए नौकरी का बंदोबस्त किया है। नौकरी? लड़कियों के स्कूल में मोटर बस चलाने का। जा, इनसे कल परसों आराम से मिल ले। कल या परसों क्यों, अभी जाता हूँ। तुम्हें स्कूल का काम के बारे में कुछ मालूम है? जी हाँ, जिसके साथ मेरा ये मेरा मतलब है कि जिसके साथ मेरा वो चल रहा है ना, वो भी आप ही की तरह मास्टर नहीं। बस बस ठीक है, 150 रुपये तनख्वाह मिलेगी, कल छुट्टी है, बस चलाकर देख लेना, अगर कोई खराबी हो तो उसे नंदू के गैरेज से ठीक करा लेना। और बच्चों का मामला है, जिम्मेदारी का काम है, होशियार रहना। जी बहुत अच्छा। ये लो गाड़ी की चाबी, और ये लो शर्ट पैंट और टोपी। फिर कह देती हूँ, गाड़ी आहिस्ता चलाना। जी मैं बिल्कुल ही आहिस्ता चलाता हूँ। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। ओ छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। ओ गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। ओ छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। ड्राइवर को बुलाना तो। जी आपने मुझे बुलाया? तुमने लड़कियों को गाना सिखाया? जी हाँ, आपको पसंद आया? गाना मैंने ही बनाया है और धुन भी मेरी ही है। तुमने गाना सिखाया? जी। गाड़ी तेज चलाई, स्कूल के नियम को तोड़ा, इसलिए ये लो 5 रुपए अपनी एक दिन की तनख्वाह और चले जाओ यहाँ से। जी। गेट आउट। ऑलराइट। ये रही आपकी चाबी, ये रही आपकी टोपी, ये रही आपकी शर्ट, और ये रही आपकी ये उसका। अच्छा तो मैं चलूं? चलो, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। पूरा आनंद। वो लड़की कौन है? अरे ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी कि क्या बुढ़े आदमी है ना, मगर आपकी समझ में क्यों नहीं आएगी? अरे आप भी तो कभी जवान थे। ये लड़का और लड़की दोनों में आनंद। दादाजी आप यहाँ? चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो। दादाजी हम जा कहाँ रहे हैं? घर। घर? घर से ही तो आप मुझे ला रहे हैं। जो घर तुम्हारा था वही है, वही रहेगा। आनंद बस बहुत हो चुका है नाटक, मैं कल ही रेखा के साथ तुम्हारी सगाई पक्की कर दूंगा। ड्राइवर गाड़ी रोको। आनंद रोको गाड़ी।
अच्छा दादाजी, तुम्हारा आखिरी फैसला है। पहचानती हो उसे? हाँ आनंद, आनंद मेरा पोता है, मेरी सारी जायदाद का वारिस। मैंने उसकी शादी एक करोड़पति की लड़की से पक्की कर दी है, लेकिन तुम उसके रास्ते में आ रही हो। भूलो नहीं, आनंद एक करोड़पति है, उसके लिए तुम महज एक खिलौने के सिवा और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ, सोच लो। तुम्हारे दादाजी ने कहा कि तुम्हारी शादी पक्की हो गई, एक मैं ही इस रास्ते में रुकावट हूँ। देखो लीला, मेरी दुनिया में जो कुछ भी है तुम ही हो, और इस दुनिया से दादाजी का कोई वास्ता नहीं है। तुम रेनू को बहुत चाहते हो ना? अगर ये सच है तो तुम्हें रेखा से ही शादी करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी इज्जत की कीमत रेनू को अपनी माँ की जान से चुकानी पड़ेगी। हाँ, अगर कोई मेरे सपने को तोड़ने की कोशिश करेगा तो मैं उसके सपने को चूर चूर कर दूंगा। मैं जानती थी इतना सुख मेरे भाग में नहीं है। मेरी शादी भी पक्की हो चुकी है। शादी होती दादाजी की मलकियत दुगनी हो जाएगी, और अगर मैं ना कह देता तो दादाजी मां का सपना चूर चूर कर देते। अगर मैं जानता रेनू के प्यार की यह कीमत चुकानी पड़ेगी तो कभी प्यार नहीं करता, कभी प्यार नहीं करता। वो देखो रेनू बहन, रेनू बहन, तुम्हें आनंद का कुछ पता है? रेनू बहन, तुम्हें मालूम है आनंद कहाँ है? देखो ना, कल रात को आया था, ढेर सा पैसा रख के चला गया। इतना पैसा तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और कल का गया है तो अभी तक उसका पता नहीं है। जरूर किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। नहीं शायद, आनंद बाबू बिल्कुल ठीक है। तो तुम जानती हो आनंद कहाँ है? कहाँ है? आखिर वो घर क्यों नहीं आया? बोलो ना दीदी, आनंद भैया कहाँ है? आनंद बाबू अपने घर चले गए। अपने घर? उनका घर तो यही है। नहीं जानती, सेठ द्वारका दास के पोते का घर ये कैसे हो सकता है? सेठ द्वारका दास का पोता अपना आनंद? ये तुम क्या कह रही हो रेनू बहन? हाँ बहुत बढ़िया, उनका हमारे साथ सिर्फ एक सपना था। एक राजकुमार कुछ दिनों के लिए घूमने निकला था और हमें अपना लिया था। समय खत्म हो जाने पर वो अपनी राजधानी लौट गया। वहां सब उसका इंतजार कर रहे थे ना। सोना महल जब मंगाएगा राजकुमारी आएगी। और दीदी, हाँ शांति, तुम्हारे भैया की शादी हो रही है, चल तुम्हें खबर मिल जाएगी। क्या तुम माँ की मां का सिंदूर मिटा देना चाहते हो? क्या? हाँ, मां का सिंदूर छूटा है, उसे सिंदूर लगाने का कोई अधिकार नहीं। आज से 3 साल पहले ही बाबूजी का देहांत हो चुका है। यह सच्चाई मां से बर्दाश्त न होगी, उसका दिल टूट जाएगा, वो मर जाएगी। इसीलिए उसे आज तक गुलामे में रखा है। न जाने किस तरह ये बात आनंद के बाबूजी को मालूम हो गई और उन्होंने इस राज का फायदा उठाया। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आनंद उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करेगा तो ये राज माँ से कह दिया जाएगा। और आनंद ने माँ की मौत और अपनी बर्बादी के बीच अपनी बर्बादी पसंद की, और तुम लोगों ने मैं रेनू की माँ। रेनू की माँ? आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं आनंद को आपसे छीनने नहीं आई हूँ, उसे आशीर्वाद देने आई। आशीर्वाद देने की कोई जरूरत नहीं, आप चले जाइए यहाँ से। माँ, माँ ये क्या?
यही तो मेरा असली भेष है बेटी। जब सुना कि वो अब नहीं रहे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, होश में आते ही तेरी याद आ गई। सोचा इस नन्ही सी जान को मेरे लिए कितने दुख उठाने पड़े, अपना सुख अपनी खुशी सब कुछ ही तो निछावर कर दिया तूने, और तेरे साथ आनंद ने भी, इसीलिए मत रो मत रो। दादाजी आप बड़े घमंड से कहा करते थे कि आपने कभी किसी से हार नहीं मानी, शायद आप भगवान को भूल बैठे, इसीलिए उन्होंने मां जी की आंखों से झूठ का पर्दा हटाकर आपका घमंड चूर चूर कर दिया है। तुम कहना क्या चाहते हो? आप किस धमकी से मेरी शादी रेखा के साथ करा? आनंद अंधे मत बनो। दरवाजा बंद करो। अरे खाना, शर्माता क्यों है? अबे खा लेगा, नया नया दूल्हा है, पहली मर्तबा तो शादी कर रहा है बेचारा। सौभाग्यवती हो बेटी। ये लो बेटी, आज से मेरी तमाम जायदाद के मालिक तुम। लो, खुश रहो। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम